हेलो बच्चा गैंग, तो स्वागत है आप सभी का आसान ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया में। इस दुनिया में ना केवल आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन मिलती है, साथ ही में आपको ट्रिक्स भी बताई जाती है और नोट्स भी दिए जाते हैं ताकि आप कॉन्सेप्ट्स को लंबे समय तक याद रख पाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ के जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चारों चैप्टर्स हैं उनकी जितनी नेमिंग रिएक्शन है सबको डिस्कस करेंगे एक मिनिमम टाइम के अंदर विद ट्रिक्स हम डिस्कस करेंगे। साथ ही में यार मैंने आपके लिए नोट्स की एक बुकलेट प्रिपेयर करी है जिसके अंदर सारी नेमिंग रिएक्शन, सारे कन्वर्जन चारों चैप्टर के, मतलब कन्वर्जन चार्ट हैं वो भी कलरफुल है, ठीक है। और साथ ही में आपको डिस्टिंग्विशन टेस्ट जो है आपके चारों चैप्टर के, मैंने कलरफुल एक बुकलेट आपके लिए प्रिपेयर करी है और वो भी एक मिनिमम कॉस्ट के अंदर 199 के अंदर। मैं वैसे तो फ्री में ही देता हूँ लेकिन इसमें काफी रिसोर्सेज और मेहनत लगी है इसलिए एक मिनिमम अमाउंट आपके लिए 199 रखा है। पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो चलिए डिस्कस करते हैं ऑल इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शंस जिसके अंदर हमारी पहली रिएक्शन आती है स्वार्ट्स रिएक्शन, जो कि हमारे हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन्स की रिएक्शन है। तो इसमें हम क्या करते हैं, अल्काइल हैलाइड लेते हैं। अल्काइल हैलाइड में हम AgF इनऑर्गेनिक फ्लोराइड डालते हैं, ठीक है, AgF डालते हैं। तो यहाँ से आपका Ag और ये आपका X आपका क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, ये निकल जाता है और आपको RF मिल जाता है। RF आपका है अल्काइल फ्लोराइड। तो ये रिएक्शन कन्वर्जन ऑफ क्लोरो एंड ब्रोमो एल्केन टू फ्लोरो एल्केन विद इनऑर्गेनिक फ्लोराइड। हीट आप जब आप करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो हीट करने पे आपका AgX निकल जाएगा और RF मिल जाएगा। तो क्लोरो मतलब आपका हेलोजन एक्सचेंज हो रहा है, क्लोरो अल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड से आपका अल्काइल फ्लोराइड बन रहा है। ये स्पेलिंग भी देख सकते हो, स्वार्ट्स की स्पेलिंग छोटी है और स्वार्ट्स की स्पेलिंग छोटी है और यहाँ पे जो बन रहा है उसका भी साइज बड़ा छोटा होता है यार फ्लोरीन का, इसलिए आप यहाँ से याद कर सकते हो कि स्वार्ट्स जो है अल्काइल फ्लोराइड को बनाने के लिए यूज होता है। तो सेकंड आ जाती है फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो फिंकलस्टीन देख सकते हो और स्पेलिंग काफी बड़ी है और स्पेलिंग बड़ी है तो ये उस हेलोजन की प्रिपरेशन के लिए यूज होता है जिसका साइज बड़ा होता है और साइज होता है सबसे बड़ा आयोडीन का। तो यहाँ पे भी सेम RX डालोगे, NaI आप यूज करोगे, सेम आपका NaX निकल जाएगा। एसीटोन की प्रेजेंस में होती है रिएक्शन और यहाँ पे आपका RI बन जाएगा। ये भी आपके एक हेलोजन एक्सचेंज आपकी रिएक्शन है जिसके अंदर आपका अल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड से आप अल्काइल आयोडाइड बना सकते हैं। तो कन्वर्जन ऑफ क्लोरो एंड ब्रोमो एल्केन टू आयोडो एल्केन विद NaI आपकी फिंकलस्टीन रिएक्शन है। तीसरी रिएक्शन आ जाती है सैंड मेयर रिएक्शन। तो सैंड मेयर में जो हमारा रिएक्टेंट यूज होता है वो होता है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड जिसको हम BDC भी बोलते हैं। बेंजीन पर अगर आपका N2Cl लगा हो तो उसको हम बोलते हैं BDC। तो जब आप BDC के अंदर CuCl या CuCl/HCl डालोगे तो आपका यहाँ पे N2Cl हट जाएगा। ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव कंपाउंडों में से आता है तो जैसे ही आप इसमें CuCl/HCl डालोगे तो ये पूरा हटके आपका यहाँ से Cl लग जाएगा, यहाँ पे आपका क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। ऐसे ही अगर आप CuBrHBr डालोगे तो आपका ये पूरा हट जाएगा और आपका ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, और अगर आप CuCNHCN डालोगे तो आपका साइनोबेंजीन बन जाएगा। तो ये काफी रिएक्टिव कंपाउंड है, इस पर मैंने पूरी कन्वर्जन पे वीडियो भी डाली हुई है, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। यहाँ से आप रिएक्शन याद कर सकते हो सैंड मेयर। सैंड में क्या होता है यार, N2 होता है, नाइट्रोजन होती है, तो आपको यहाँ से याद रहेगा कि यार सैंड मेयर N2 का मतलब यहाँ पे N2 निकलता है, तो आपको यहाँ से याद रहेगा कि आपको यहाँ से N2 निकालना है और यहाँ पे आपका डायरेक्टली Cl लग जाएगा, Br लग जाएगा और CN लग जाएगा। तो ये थी आपकी सैंड मेयर रिएक्शन जो कि काफी बार आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछी गई है। आपकी नेक्स्ट रिएक्शन आती है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ईथर की रिएक्शन है। लेबोरेटरी मेथड टू प्रिपेयर ईथर, मतलब आप लैब्स में अगर ईथर को प्रिपेयर करना चाहते हो तो विलियमसन सिंथेसिस का हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये अल्काइल हैलाइड के अंदर जब हम NaOR डाल रहे हैं यहाँ पे आपका सोडियम फिनोक्साइड हो सकता है, सोडियम एल्कोक्साइड हो सकता है, यहाँ पे भी सेम आपका NaX निकल जाएगा और ROR इसको हम बोलते हैं ईथर, ठीक है। ओ ऑक्सीजन से दोनों साइड अल्काइल या बेंजाइल ग्रुप जुड़े हो तो उसको हम बोलते हैं फिनाइल, अल्काइल या फिनाइल ग्रुप जुड़े हो तो उसको हम बोलते हैं ईथर। एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पे CH3I मैंने मिथाइल आयोडाइड को लिया है और यहाँ पे आपका सोडियम इथोक्साइड है, यहाँ से आप देखोगे NaI निकल गया और यहाँ पे CH3 CH2
CH3 बन गया। तो ये जो होती है ये SN2 रिएक्शंस होती हैं। तो आप ये या विलियमसन सिंथेसिस याद रखोगे। विलियमसन से आपको क्या याद आ रहा है, विलियमसन मतलब विलन का सन, और विलन का सन क्या करता है, इधर उधर घूमता है। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। तो इधर उधर से क्या रहा है, ईथर है ना। तो यहां से आप याद रख सकते हो विलियमसन ईथर को प्रिपरेशन के लिए यूज होती है। नेक्स्ट आ जाती है आपकी फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी बार आपके प्रीवियस ईयर्स में आई हुई है। फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में आपका बेंजीन रिंग, आपका यहाँ पे क्लोरोबेंजीन भी हो सकता है। हम अगर आपको पूछता है कि फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन लिखो तो आप बेंजीन रिंग लोगे। बेंजीन रिंग में आपने क्या डाला, मिथाइल क्लोराइड। ये आपका एल्काइलेशन से समझ रहे हो ना, एल्काइलेशन का मतलब होता है कि आपको यहाँ पे कुछ अल्काइल हैलाइड डालना है। तो हमने यहाँ पे लिया मिथाइल क्लोराइड, एनहाइड्रस AlCl3 आपका मैंडेटरी रिएजेंट रहेगा, जो कि आपका आपका लेविस एसिड होता है। यहाँ पे FeCl3 FeBr3 भी आप ले सकते हो, कुछ नहीं होगा। यहाँ पे आपका CH3 यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा और ये आपका टोल्यूइन बन जाएगा। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है यार, बेंजीन रिंग से अगर CH3 ग्रुप जुड़ा हो तो उसको हम बोलते हैं टोल्यूइन। तो ये थी आपकी फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। सेम टू सेम है फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन, यहाँ पे अल्काइलेशन की जगह हम करेंगे असाइलेशन। असाइल होता है आपका CH3 मतलब CO ग्रुप जुड़ा हो ना, तो उसको हम बोलते हैं COCl आपका ग्रुप जुड़ा हो तो उसको हम बोलते हैं असाइल। तो यहाँ पे असाइल हम यूज कर रहे हैं, बेंजीन रिंग के साथ CH3COCl डाला है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ये आपका COCH3 बन जाएगा। कैसे, यहां से आपका ये Cl और यहां से हाइड्रोजन निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा और COCl आपका यहाँ COCH3 आपका आके यहाँ पे लग जाएगा। और जब बेंजीन रिंग से COCH3 ग्रुप जुड़ा हो तो उसको हम बोलते हैं एसेटोफिनोन, और बेंजोफिनोन भी हम यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे CH3 की जगह बेंजीन रिंग लोगे तो यहाँ पे आपका CH3 की जगह बेंजीन रिंग लगेगा और उस कंपाउंड को हम बोलते हैं बेंजोफिनोन। तो ये था हमारा फर्स्ट सेक्शन, नेक्स्ट सेक्शन में हम और इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस सेक्शन में डिस्कस करते हैं हमारी सेवंथ रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन। तो यार फिटिग रिएक्शन भी आपके हेलोलिकेंस और हेलोरीन्स के हैं, जिसमें आप जो है ये अब आपके जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं ना उनकी रिएक्शन है। यहाँ पे हम क्लोरोबेंजीन लेते हैं, मतलब यहाँ पे एक्स आपका क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन भी हो सकता है। क्लोरोबेंजीन मैंने लिख दिया क्योंकि मैंने एक्स को Cl कंसीडर कर लिया। तो यहाँ पे आपका क्लोरोबेंजीन मैंने लिया और यहाँ पे, या फिर आप एक्स भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ना, आपको लिख के देंगे, ये देखो मैंने तो यहाँ पे 2Na और एक और बेंजीन दिखाई है, लेकिन आपको यहाँ पे लिख के देंगे, सिर्फ ऐसे लिख देंगे, इसके आगे लिख देंगे दो और आपके साथ Na की रिएक्शन कराएंगे और बताएंगे प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, दो आपने क्लोरोबेंजीन बनाना है और यहाँ पे 2NaX निकाल देना है इजीली। यहाँ पे आपको दिख रहा है 2NaX निकल रहा है, एक्स आपका Cl हो सकता है तो 2NaCl निकल जाएगा। ड्राई इथर की प्रेजेंस में आपका दो बेंजीन रिंग जुड़ जाएगी, इसको हम डायफिनाइल या बायफिनाइल भी बोलते हैं। फिटिक मतलब कोई फाड़ू सी रिएक्शन है, मतलब कोई ऐसा कंपाउंड बनता है फाड़ू सा कंपाउंड बनने वाला जो सबकी मतलब सबसे ताकतवर। तो यहाँ पे देख सकते हो आप जो कंपाउंड बना दो बेंजीन रिंग से बन के मिल रहा है, थोड़ा हट्टा कट्टा कंपाउंड है, तो मतलब फाड़ू कंपाउंड, जिससे आप याद रख सकते हो फिटिक से। तो वुड्स फिटिक रिएक्शन, यार वुड्स फिटिक भी इसी के जैसी है। इसमें जैसे हम दो बेंजीन क्लोरोबेंजीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पे आपका एक अल्काइल क्लोराइड होगा और एक आपका एरोमेटिक होगा। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपका हेलो बेंजीन प्लस में आपका क्या है अल्काइल हैलाइड, तो यहाँ से भी 2NaX निकाल दो, R और बेंजीन जोड़ दो, तो ये आपका जो कंपाउंड बना है इसको अल्काइल बेंजीन बोलते हैं। यहाँ पे अगर आप CH3 लेते हो R की जगह तो यहाँ पे आपका टोल्यूइन बन जाएगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। तो ये सिमिलर सी रिएक्शन से इजिली याद कर लोगे। तो ये है नाइन्थ रिएक्शन, क्यूमीन प्रोसेस। ये आपकी अल्कोहल फिनोल और ईथर की है। अगर आपको अल्कोहल फिनोल और ईथर का वन शॉट देखना है तो प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं, सबके वन शॉट्स आपको मिल जाएंगे, वो भी शॉर्टेस्ट। तो यहाँ पे क्यूमीन प्रोसेस आ जाते हैं। तो क्यूमीन प्रोसेस सबसे पहले स्टार्ट होगा क्यूमीन से। ये जो आपका कंपाउंड है जिसमें आपका बेंजीन पे प्रोपेन जैसा कोई कंपाउंड लगा हुआ है, देख सकते हैं बेंजीन पे CH3CH3 तो प्रोपेन जैसा लग रहा है, तो ये आपका जो कंपाउंड होता है इसको बोलते हैं क्यूमीन। ये आपको याद करना है। यहां पे आप O2 और HNU मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में आपका जो यहां पे क्या होगा, ये दोनों O इसके पे H की जगह जाके लग जाएंगे, मतलब H के बीच में जाके लग जाएंगे, और ये जो कंपाउंड बनेगा ना आपका, ये आपका देखो CH3COOH, बस ये ऑक्सीजन आपके यहाँ पे लग गई, परऑक्साइड बन गया आपका यहाँ पे। तो इसमें कुछ नहीं करना आप, जैसे आप एसिडिफाइड वाटर डालोगे तो आपका COCH3CH3 निकल जाएगा, मतलब आपका साइड प्रोडक्ट एसीटोन निकल जाएगा और आपका मेन प्रोडक्ट आपको फिनॉल मिल जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कई बार इसमें पूछते हैं कि भाई इसका साइड प्रोडक्ट बता दो, ठीक है, कई बार पूरी रिएक्शन पूछते हैं, तो आपको ये अच्छे से कर लेनी है। क्यूमीन से यार क्या याद आता है, क्यूमीन से कमीन,
तो मतलब कमीन टाइप के लोग धूप में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में घूट मारते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो यहाँ पे आप याद सकते हो क्यूमीन से कमीन टाइप, मतलब कमीन टाइप के लोग क्या करते हैं, धूप में मतलब एच न्यू यूज होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस मतलब ऑक्सीजन यूज होगा, घूट मारते हैं मतलब घूट हम फिनोल को डिनोट कर रहे हैं। तो आप ऐसे भी इसको इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। अब आते हैं अपनी नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, जो है आपकी कोलबेज रिएक्शन। ये कई बार पूछी गई है। तो इसमें क्या होता है, कोलबेज जो भी आपकी अल्कोहल फिनोल की रिएक्शन से एरोमेटिक, उसमें जो आपका मेजरली रिएक्टेंट होगा वो फिनोल होगा और उसमें आप NaOH डाल रहे। तो जैसे आप फिनोल में NaOH डालते तो आपका ये कंपाउंड बनता है ONA। ये आपको याद कर लेना कि भाई NaOH डालने पे आपका फिनोक्साइड बनता है, क्योंकि एसिडिक होता है और एसिड में बेस डालोगे तो सॉल्टी तो बनेगा भाई, तो इसको हम बोलते हैं सोडियम फिनोक्साइड। तो यहाँ पे आप इसके अंदर जब आप टेम्परेचर लोगे कितना 400 केल्विन और 4 से 7 एटीएम टेम्परेचर में CO2 डालोगे, तो आपका क्या होगा, यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ पे आपका ये और CO2 की रिएक्शन होगी, COONA लग जाएगा और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं सोडियम सैलिसेट, OH और COONA। इसमें एसिडिफाइड वाटर डालोगे तो आपका ये कंपाउंड बन जाएगा, आपका जो है ऑक्सीजन जो आपका OH ग्रुप है उसके ऑर्थो पे आपका COOH लगा है। अगर ऐसा होता है तो हम इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड, और ये ऑर्थो पे इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पे आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है जिससे ये ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो आप इसको एक साथ भी लिख सकते हो, NaOH के नीचे ही आप ये सारी चीजें जो तीनों चीजें मैंने पार्ट करा है उसको एक साथ लिख के भी आप सीधा ये प्रोडक्ट दिखा सकते हो, और अगर आपका 3 नंबर में आता है तो आप ऐसे पार्ट्स में भी करके दिखा सकते हो। तो अब आपके आते हैं डाउस प्रोसेस, काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें आप क्लोरोबेंजीन से फिनोल की प्रिपरेशन करते हैं। क्लोरोबेंजीन से ना डायरेक्ट फिनोल नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि यार ये जो आपका बॉन्ड होता है क्लोरीन और बेंजीन के बीच में, कार्बन के बीच में, ये आपका पार्शियल डबल बॉन्ड होता है, इजिली नहीं तोड़ा जा सकता। इसलिए हमने क्या करा है, यहाँ पे एक्वस NaOH, मैंने आपको बताया था एक्वस NaOH डालते हैं हम फर्स्ट रिएक्शन में। तो यहाँ पे आपका देखो 300 एटीएम का प्रेशर डाला है भाई, 623 केल्विन का टेम्परेचर, इतना टेम्परेचर देने पर Cl पूरा नहीं हटा, अभी भी ONA आके लगा है। तो ONA में आप डाइल्यूट एसिड डालोगे तब आपका फिनोल बन रहा है। तो आप देख सकते हो हमने 2 स्टेप करा है आप क्लोरोबेंजीन से फिनोल बनाने में, जबकि अगर हम NaOH डाल के डायरेक्ट भी लगना चाहिए था, लेकिन डबल बॉन्ड होने की वजह से ये ऐसा नहीं हो पाया, इसलिए आपका ड्रास्टिक कंडीशन में हमने क्लोरोबेंजीन से फिनोल प्रिपेयर किया है। अब आपकी 12th रिएक्शन आती है स्टीफंस रिडक्शन ईयर क्लियर ही हो रहा है। तो यहाँ पे आपका जो स्टीफंस रिडक्शन में आपका रिएक्टेंट होता है बेंजोनाइट्राइल, जिसको हम साइनोबेंजीन भी बोलते हैं। इसमें आप डालोगे SnCl2HCl, स्टीफन से आपको याद रहना चाहिए कि भाई एस से कोई आपका रिएजेंट है SnCl2HCl, और यहाँ पे आप सेकंड स्टेप में वाटर डालोगे, जैसे यहाँ भी देखो आपने HCl डाला है, यहाँ पे भी वाटर डाला है, ठीक है, कई स्टेप में हम वाटर डाल रहे हैं तो सेकंड स्टेप में मोस्टली वाटर डलता। तो आपका क्या करना है, ये जो CN है ना भाई, ये जो कंपाउंड होते हैं CN हो गया, आपका COCl हो गया, ये आपके एसिड के डेरिवेटिव होते हैं, और एसिड को जब आप रिड्यूस करते हो ना तो आप वो आपका एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। ऑब्वियसली आप मेरी वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने रिएजेंट करवाया प्लेलिस्ट में से। तो यहाँ पे आपका CN में से जब आप SnCl मतलब रिडक्शन करोगे तो आपका एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इतनी इजी सी रिएक्शन है, बस आपको ये रिएजेंट याद रखना है, बाकी तो आपका बेंजोनाइट्राइल से बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है। थर्टीन आती है इटार्ड रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इटार्ड रिएक्शन में भी सेम ही है, ये भी आपका बेंजल्डिहाइड को प्रिपेयर करने के लिए यूज होता है, लेकिन जो आपका रिएजेंट होता है इसमें आपका टोल्यूइन यूज होता है, ठीक है। तो यहां से आप याद रख सकते हो इटार्ड से हमारा क्या रहा है, रिटार्ड मतलब पीछे लेना, और जब हम गाड़ी को रिटार्ड करते हैं तो यार एक्सीडेंट भी हो सकता है, तो हम एक कहानी बना लेते हैं कि यार रिटार्ड से आ रहा है रिटार्ड, और रिटार्डेशन जब होता है तो मतलब एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं। तो मान लेते हैं हम एक का एक्सीडेंट हो गया और कोई हरियाणा से लड़का आया और बोला तावड़ी कॉल करो बहन जी को, तो यहां से तावड़ी से जो आप हरियाणा से होंगे उन्हें पता होगा तावड़ी का मतलब होता है जल्दी, तो तावड़ी करो कॉल, करो कॉल से क्या आ रहा है CrO2Cl, करो कॉल बहन जी को, बहन जी से क्या आ रहा है बेंजल्डिहाइड। तो अगर आपको ये समझ आती है तो ठीक है, वरना तो ये इजी है, आप टोल्यूइन से CrO2Cl2 डाल के, ये आपका क्रोमियम क्रोमाइल क्लोराइड होता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। आवड़ी से हो रहा है टोल्यूइन, करो कॉल CrO2Cl2 बहन जी को बेंजल्डिहाइड। तो तीनों आपके इस ट्रिक से बन रहे हैं, तावड़ी करो कॉल बहन जी को, तावड़ी से टोल्यूइन, करो कॉल से CrO2Cl2 और बेंजी मतलब बेंजल्डिहाइड। तो ये तो यार हमारे सेकंड सेक्शन की इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शंस। अब हम चलते हैं अपने थर्ड सेक्शन की
तरफ। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं हमारा थर्ड सेक्शन, जिसके अंदर हमारी इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है एल्डिहाइड कीटोन्स की। इससे पहले यार मैं आपको एक चीज इन्फॉर्म कर दूं कि अगर आप इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं, डिस्टिंग्यूशन ऑल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी आपके डिस्टिंग्यूशन टेस्ट है वो आप देखना चाहते हैं, तो वो भी मैंने 15 मिनट के अंदर सारे टेस्ट करवा रखे हैं। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट दे सकते हैं। आप रिएजेंट की वीडियोज देखना चाहते हैं तो वो भी मैंने सारे ऑर्गेनिक के करवा रखे हैं नीट लेवल तक, ठीक है। और उसके अलावा आप नेमिंग रिएक्शन या कन्वर्जेंस देखना चाहते हैं कन्वर्जेंस पे, वो भी मैंने अपनी प्लेलिस्ट में इंक्लूड कर रखा है। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हमारी बेस्ट प्लेलिस्ट है यूट्यूब के अंदर, आप चेकआउट कर सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट। अब आते हैं यार रीमन टीमन रिएक्शन पे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। रेमर टेमन रिएक्शन 14 रिएक्शन है हमारी। इसके अंदर यार ये आपकी अल्कोहल फिनोल की है, तो हमारा यहाँ पे फिनोल एज अ मैंने आपको बताया कि जो भी आपकी अल्कोहल फिनोल की रिएक्शन होगी उसमें आपका मेजरली जो रिएक्टेंट होगा वो फिनोल होगा और आप उसमें NaOH डाल रहे होगे। तो यहाँ पे भी सेम सही हो रहा है, फिनोल के अंदर आप NaOH डाल रहे हो वाटर के साथ, और यहाँ पे आप CHCl3 एक क्लोरोफॉर्म होता है और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे जनरेट होता है एज अ कार्बिन होती है, ठीक है। डाइक्लोरोकार्बिन होती है जो यहाँ से जनरेट होती है एज एन इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। वो अगर आप इसका मैकेनिज्म चाहते हो तो आप मेरे को मेरा आपको एक कॉन्टैक्ट मिल जाएगा मेरा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप मेरे से पूछ सकते हैं मैकेनिज्म भी। तो यहाँ पे आप फिनोल के अंदर जब CHCl3 जो आपका क्लोरोफॉर्म होता है ये डालते हो NaOH की प्रेजेंस में, 340 केल्विन टेम्परेचर लेना है, तो कुछ नहीं होगा यहाँ पे आपका CHO आके लग जाएगा। और ऑर्थो पोजीशन पे इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और ये मोर स्टेबल हो जाता है। और ये जो कंपाउंड बनाया ना यार OH के, अगर ऑर्थो पे CHO लगा दोगे तो ये होता है सालिसाल्डिहाइड, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। कुछ नहीं करना यार, रेमन टेमन से क्या आ रहा है, रेमन टेमन मतलब तीन मैन आ रहे हैं, तो तीन मैन वाला कंपाउंड कौन सा है भाई, क्लोरोफॉर्म देखो यहाँ पे तीन क्लोरीन है, तो आप अल्कोहल के अंदर मतलब फिनोल के अंदर आपको क्लोरोफॉर्म डालना है इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो आपका सालिसाल्डिहाइड बन जाए गा, और ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब आता है रोजनमुंड रिडक्शन पे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका जो रिएजेंट होता है बेंजोइल क्लोराइड होता है, इसको हम एसिड का डेरिवेटिव कहते हैं। अगर आप आपका बेंजीन पे COCl लगा हो तो उसको हम बेंजोइल बोलते हैं, मतलब COCl कहीं भी CO ग्रुप लगा हो ना तो हम ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, OYL हमारा रहता है। तो बेंजोइल क्लोराइड के अंदर जब आप H2PDBaSO4 डालते हो तो आपका यहाँ से Cl निकल जाता है और H आके लग जाता है, ठीक है। Cl निकल गया, H आके लग गया, तो ये आपका बना बेंजाल्डिहाइड। अब ट्रिक सुन लो यार, रोजनमुंड से क्या रहा है, रोज, रोज का क्या होता है पौधा, और पौधे से क्या रहा है पीडी, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि PDBaSO4 यूज होता है और कुछ नहीं करना है, H2 यूज हो रहा है, यहाँ से HCl निकाल दो और ये H आके यहाँ लग जाएगा, सिंपल बन जाएगा, तो काफी इजी है। 16 आ जाते हैं गेटरमैन कोच रिएक्शन, और बड़ी इंपॉर्टेंट है यार ये रिएक्शन भी। इसमें आपका बेंजीन से बेंजाल्डिहाइड में कन्वर्जन होता है। अब यहाँ पे गेटरमैन कोच, कोच से क्या रहा है को, और यहाँ पे आप देखो CO यूज हो रहा है ना को, तो आपको याद रखना है कोच है मतलब CO यूज होगा एज अ रिएजेंट, ठीक है। और आपका यहाँ पे कोच तो OCH, और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें भी आपका OCH आके लगेगा, ठीक है। तो इससे आपके दोनों चीज पता चल गई, रिएजेंट भी आपका CO और आपका जो प्रोडक्ट में OCH आके लगेगा। तो बेंजीन से बेंजाल्डिहाइड कन्वर्ट करने के लिए आप COHCl का इस्तेमाल कर सकते हो एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, इसको बोलते हैं गेटरमैन कोच रिएक्शन। आपकी 17 रिएक्शन आती है क्लीमेंसन रिडक्शन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और ईजी भी है। इसमें हम क्या करते हैं, आपका एल्डिहाइड या कीटोन अगर आपके पास है, एल्डिहाइड या कीटोन से कोरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करते हैं। नहीं आया समझ, कोई बात नहीं, यहाँ पे देखो आपको डबल बॉन्ड CO हटा के वहां पे CH2 लगा देना है। ये आपका जो कंपाउंड होता है मैंने पहले भी आपको बताया प्रीवियस स्लाइड के अंदर कि आपका एसेटोफिनोन होता है, तो एसेटोफिनोन में से CO हटा के CH2 लगा दो। देखो यही बना आपका CO हटा के CH2 लगाया, आपका क्या बना इथाइल बेंजीन। यहाँ पे जो आपका रिएजेंट होता है ना क्लेमेंसन में ZnHg कॉन्सेंट्रेटेड HCl, बस ये आपको याद रखना है क्योंकि आपको मैंने बता ही दिया कि आपका क्लेमेंसन रिडक्शन में CO हटाओ CH2 लगाओ, तो प्रोडक्ट तो आप बनाना सीख गए, तो रिएजेंट आपको याद करना पड़ेगा ZnHg CO आपका HCl, ये एमलगम होता है, जिंक का एमलगम होता है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। ऐसे ही आपकी 18 रिएक्शन है जो कि काफी सिमिलर है, वॉल्फ किशनर रिडक्शन। इसमें भी आपका आपका CO हटा के CH2 लगा दो, ये भी रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन्स को कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने के लिए यूज होती है। बस इन दोनों में फर्क इतना है कि इसमें जो रिएजेंट होता है वो होता है NH2, ठीक है, और KOH इथाइलिन ग्लाइकोल, ये आपका रिएजेंट होता है, आपको याद करना पड़ेगा। बाकी देखो आपको प्रोडक्ट तो मैंने बता दिया, डबल बॉन्ड CO हटाओ CH2 लगा दो,
आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये थी आपकी वॉल्व किशनर रिडक्शन अल्डिहाइड और कीटोन से कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने के लिए। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना यार इस सेक्शन का, वो है एल्डोल कंडेंसेशन। मतलब जितनी ये रिएक्शन मैंने आपको कराई है, एक सारी रिएक्शन एक तरफ और एल्डोल कंडेंसेशन एक तरफ, तो इसलिए इसको बड़े ध्यान से समझना है। एल्डोल कंडेंसेशन के लिए दो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। पहले अल्फा कार्बन क्या होता है, तो अल्फा कार्बन यार फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट अटैच जो कार्बन होता है वो आपका होता है अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन से जो डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, मतलब जितने भी जुड़े हुए हैं वो आपके अल्फा हाइड्रोजन है। ये दोनों टर्म्स आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो ये रिएक्शन क्या है, जब दो मॉलिक्यूल एल्डिहाइड या कीटोन्स के, या तो दो मॉलिक्यूल एल्डिहाइड के होंगे या दो मॉलिक्यूल कीटोन्स के होंगे, कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, मतलब फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन जुड़ा हुआ है उस पर हाइड्रोजन होना चाहिए। टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन, उसको जब हम ट्रीट कर देंगे डाइल्यूट बेस के साथ तो वो कंडेंसेशन में जाएगा, और कंडेंसेशन का मतलब होता है वाटर निकल जाता है, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, जैसे कि आपको ना कैसे देता है एग्जामिनर, वो आपको CH3CH2, ये आपका एल्डिहाइड है, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली कार्बन जुड़ा है, ये आपका अल्फा कार्बन है, और इस अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं ये आपके अल्फा हाइड्रोजन, मतलब इस कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन है मित्रों। तो बस कुछ नहीं करना, डाइल्यूट NaOH डालना है, और आपको क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है तो आपको बोलेगा प्रोडक्ट बताओ। तो इसके लिए क्या करना है, आपको दो होंगे यहाँ पे सबसे पहले, तो दो एल्डिहाइड होंगे, तो दो एल्डिहाइड आपने बना लिए, एक में से O निकाल दो, एक में से दो H2 निकाल दो, जो आपका H2O निकल जाएगा, और ये जो कार्बन बच जाएंगे ना, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, इन दोनों को डबल बॉन्ड से जोड़ो, क्योंकि आपने डबल बॉन्ड तोड़ा है यार, डबल बॉन्ड तोड़ा है तो डबल बॉन्ड ही बनेगा। तो आपको क्या करना है, एक जगह से H2 निकालना है, एक जगह से O निकालना है, और आपका H2O निकाल देना है, और डबल बॉन्ड उसकी जगह लगा देना है। तो अपने को क्या, पानी निकालने का, तो अपने को क्या, अपने को सिर्फ पानी निकालना है, बस कुछ नहीं करना है इस रिएक्शन में, पानी निकालना है आपको और डबल बॉन्ड से जोड़ देना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो डबल बॉन्ड O H2 हटाया, CHCH डायरेक्टली जुड़ गए हैं डबल बॉन्ड से। तो आपके पास जो भी ऐसे एल्डिहाइड कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है वो अंडरगो कंडेंसेशन में जाएंगे जब आप उसके अंदर डाइल्यूट बेस डालोगे। तो ये थी आपकी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ऐसे ही आप कीटोन का भी कंडेंसेशन कर सकते हैं, ये ट्रिक है, आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख के आना होता तो ये ट्रिक आप साइड में रफ फेज में यूज कर सकते हो, लेकिन प्रोडक्ट आपको डायरेक्ट ऐसे लिख के आना है। तो अब हम देखेंगे क्रॉस एल्डोल और इंपॉर्टेंट जो आपकी नेमिंग रिएक्शन बच जाती है उनको। तो एल्डोल कंडेंसेशन के बाद अब हम डिस्कस करते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। जैसे कि आप सभी ने देखा कि एल्डोल कंडेंसेशन में हम सिमिलर एल्डिहाइड्स की रिएक्शन करा रहे थे, सिमिलर कीटोन्स की, हमने एल्डिहाइड और कीटोन्स को आपस में रिएक्शन नहीं करवाई। तो यहां पे हम क्या करेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन की आपस में रिएक्शन कराएंगे। तो व्हेन एल्डोल कंडेंसेशन कैरिड आउट बिटवीन टू डिफरेंट एल्डिहाइड एंड और कीटोन, इट इज कॉल्ड क्रॉस एल्डिहाइड। मतलब कि आप दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स की रिएक्शन भी हो सकती है, दो डिफरेंट कीटोन्स की रिएक्शन भी हो सकती है, और एल्डिहाइड और कीटोन्स की भी हो सकती है। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है जिसमें मैंने एसीटोन और एसिटाल्डिहाइड लिया है। तो आपका एक कीटोन है, एक आपका क्या है, आपका एक एसिटाल्डिहाइड है, दोनों के पास आप देख सकते हो अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पे हमने डाइल्यूट बेस लिया है। तो आपको सेम चीज करनी है। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो है ना, ये आपका एसीटोन है। अब इसके साथ जो हमारा पहला प्रोडक्ट बन रहा है ना, एसीटोन एसीटोन, ये जो हमारा प्रोडक्ट है ना, ये खाली इसका, इसकी रिएक्शन इसी के साथ कराई गई है। इसकी रिएक्शन इसी के साथ कराओगे तो एक बार मतलब यहां से डबल बॉन्ड O हटेगा और एक दूसरे वाले ऐसे ही कंपाउंड से डबल H हटेंगे, तो आपको क्या होगा आपस में, ये देखो यहां से आपका डबल बॉन्ड O हटा है और यहां से आपके दो H हटे हैं सेम ही कंपाउंड से। तो ये जो वाला तो फर्स्ट प्रोडक्ट है आपका एसीटोन एसीटोन के कंडेंसेशन से बना है, इसको हम बोलते हैं सेल्फ प्रोडक्ट। सेकंड आप देखोगे एल्डिहाइड और एल्डिहाइड से बना है, जैसे कि आप देख सकते हो CH3CH, इसका OH गया है और इसका आपके दो H2 गए, देख सकते हो इस पे डबल बॉन्ड O है लेकिन इस पे दो H नहीं है, इस पे एक ऑक्सीजन नहीं है। तो ये आपका एल्डिहाइड एल्डिहाइड जो हमने एल्डोल कंडेंसेशन में करा, कि एल्डिहाइड और एल्डिहाइड का जब हमने आपस में कराया और उसमें से पानी निकाल दिया, तो ये प्रोडक्ट बन रहा है। तो हमने पहले में खाली एसीटोन का एसीटोन के साथ, सेकंड में एल्डिहाइड का खाली एल्डिहाइड के साथ, ये दोनों आपके हैं सेल्फ प्रोडक्ट्स, ठीक है।
और अब आपका तीसरा जो प्रोडक्ट है ना ये है एसीटोन और एसिटल्डिहाइड। ये एसीटोन जो है ना, एसीटोन से आपने डबल बॉन्ड ओ हटाया है, ये देख सकते हो यहाँ पे, ये जो एसीटोन है इसका डबल बॉन्ड ओ गया है और इस वाले एल्डिहाइड का डबल एच गए हैं, दोनों एच गए हैं। तो यहाँ पे आपको जो प्रोडक्ट मिला एसीटोन और एसिटल्डिहाइड, इस प्रोडक्ट में डबल बॉन्ड ओ आपका किससे गया, कीटोन से, ये आपका एसीटोन और एसिटल्डिहाइड का। फोर्थ में देखो, फोर्थ में आपका डबल बॉन्ड ओ सी एच, डबल बॉन्ड ओ जो है आपका कीटोन के पास तो है यहाँ पे, लेकिन एल्डिहाइड के पास नहीं है। तो ये जो प्रोडक्ट है एसिटल्डी और एसिटल्डिहाइड और एसीटोन का है, जिसमें से आपका जो डबल बॉन्ड ओ है वो गया आपका एसिटल्डिहाइड से, और जो दो हाइड्रोजन जाते हैं वो आपके गए हैं एसीटोन से। ये दोनों आपके तीसरे और चौथे हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। स्टिल अगर आपको समझ में नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक कॉन्टैक्ट मिल जाएगा, वहां से आप मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लो, जिसके अंदर हमने, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, और अगर एग्जामिनर थोड़ा सा टफ बनाना चाहता है पेपर को तो वो ये जरूर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने बेंजल्डिहाइड लिया, यहाँ पे मैंने एसिटोफिनोन लिया जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। अब ऐसे केस में अंदर जब आपका खाली आपको एसिटल्डिहाइड और कीटोन है, और इनमें से मान लो इनमें से पूछे कि इसमें से मेजर प्रोडक्ट क्या है भैया, तो इनमें से मेजर प्रोडक्ट यार वो है जिसमें से आपका एसिटल्डिहाइड से वो ऑक्सीजन निकले। आप देख सकते हो एसिटल्डिहाइड से ऑक्सीजन आपके यहाँ निकले हैं, ये देखो ये आपका एसीटोन का ऐसे का ऐसे है, लेकिन एसिटल्डिहाइड का डबल बॉन्ड हो गया है। तो ये आपका जो फोर्थ है ना वो आपका मेन प्रोडक्ट है। ऐसे ही यार अगर आप बेंजल्डिहाइड और एसिटोफिनोन में देखोगे तो ये जो बेंजल्डिहाइड का डबल बॉन्ड हो हटाओ और एसिटोफिनोन के डबल दो हाइड्रोजन निकाल दो, अपने को क्या यार पानी निकालने का, तो पानी निकालने के बाद इन दोनों सी एच को आपस में डबल बॉन्ड से जोड़ दो, तो ये जो आपका प्रोडक्ट बना है ये आपका मेजर प्रोडक्ट बना है। इस क्वेश्चन में यार आपका एक ही प्रोडक्ट आपको शो करना है मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो आपको एल्डिहाइड से डबल बॉन्ड ओ हटाना है और कीटोन से डबल एच हटा के आपको वाटर निकाल देना है, आपको मेजर प्रोडक्ट बना देना है। होप आपको समझ में आया होगा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। एक बार आप दोबारा से इसको देख सकते हो अगर आपको कोई कंफ्यूजन होती है तो। अब आ जाए कैनिज़ारो रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट यार, इससे काफी बार क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि मैंने आपको अल्फा हाइड्रोजन इसलिए बता दिया था क्योंकि लगातार जो आपकी तीन रिएक्शंस में वो यूज हो रहा है। ये देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, एल्डिहाइड जो कि एलिफेटिक भी हो सकता है एरोमेटिक भी हो सकता है, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, कैनिज़ारो में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए और एल्डोल में होने चाहिए, तो यहाँ पे वो एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेंगे। डिस्प्रोपोर्शनेशन यार वो होता है जब कोई कंपाउंड आपका का रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन भी हो, उसी कंपाउंड का रिडक्शन भी हो जाए और उसी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन भी हो जाए, तो हम ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ये कह रहा है एल्डिहाइड जो एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों हो सकते हैं, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा जब आप उसके अंदर कंसेंट्रेटेड बेस डालोगे। जैसे कि हमने लिया, ये देखो यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड है, अब देखो इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है उससे तो कोई कार्बन जुड़ा ही नहीं हुआ, तो अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से होगा यार, तो ये इस पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो कॉन्सेंट्रेटेड KOH डालना है। यहाँ पे हम बेस, जो हमारा बेस डलता है वो डाइल्यूट डलता है, यहाँ पे कंसेंट्रेटेड डल रहा है, तो कॉन्सेंट्रेटेड डालोगे तो एक बार इसका तो होगा रिडक्शन, एक बार होगा ऑक्सीडेशन। एल्डिहाइड का रिडक्शन करोगे तो अल्कोहल में जाता है तो मिथेनॉल बना, और अगर आपका इस ऑक्सीडेशन करोगे तो एसिड का सोल्ट बना, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कार्बन के जो नंबर है ना, यहाँ पे भी कार्बन का एक ही नंबर और यहाँ पे भी कार्बन का एक ही नंबर है, तो कार्बन के नंबर आपको नहीं बढ़ाने हैं। इसी तरह बेंजल्डिहाइड भी इसका एक एग्जांपल हो सकता है। तो अब आ जाते हैं 22nd रिएक्शन पे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको HVZ रिएक्शन के नाम से बड़ा पॉपुलर नाम है ये, और इसे पूछा भी जाता है, हेल वोल्हार्ड ज़ेलिंस्की रिएक्शन। इसमें क्या होता है, आपका एसिड की रिएक्शन है, एसिड के पास यार अल्फा हाइड्रोजन नेसेसरी है, तो इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन का है, इस वाले एसिड पे अल्फा हाइड्रोजन जरूर होना चाहिए, मतलब जो फंक्शनल ग्रुप उससे जो कार्बन जुड़ा है उस पर अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो आप देख सकते हो फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन जुड़ा है उस पर अल्फा हाइड्रोजन है, तो अल्फा हाइड्रोजन है तो ये HVZ रिएक्शन शो करेगा। HVZ में क्या होता है, एसिड के अंदर जब आप, यहाँ पे आपका H2 आपका क्लोरोब्रोमो हो सकता है, तो यहाँ पे आपका जब आप हलाइड डालते हो रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में, तो आपका ये हलाइड एक अल्फा पोजीशन पे आके लग जाता है, एक हाइड्रोजन हटा यहाँ से और अल्फा पोजीशन पे एक्स लग गया, तो इसको बोलते हैं अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। कुछ नहीं करना, एक अल्फा हाइड्रोजन हटा के एक आपको आपका क्लोरो या एक्स लगा देना, एक्स आपका क्लोरो क्लोरीन ब्रोमीन हो सकता है, ठीक है। इस रिएक्शन को बोलते हैं HVZ रिएक्शन, काफी ईजी और इंपॉर्टेंट है। 23rd रिएक्शन, दैट इज हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। इसमें क्या होता है यार, बड़ी इंपॉर्टेंट और इजी है। इसमें आपका ब्रोमामाइड मतलब कि आपको अमाइड की रिएक्शन होती है, ये अगर CO
NH2 से जो कार्बन जुड़ा है उस पर अगर डबल बॉन्ड O हो तो उसको हम बोलते हैं अमाइड। तो यहाँ पे अमाइड के अंदर आप Br2NaOH डालते हो, अमाइड के अंदर Br2NaOH डालते हो तो यहाँ देख सकते हो डिग्रेडेशन हो रहा है। तो डिग्रेडेशन का मतलब होता है यहाँ से आपका डबल बॉन्ड CO है जो उड़ जाएगा, वो डबल बॉन्ड CO हट जाएगा और आपका 1 डिग्री अमीन बन जाएगा। तो होफमैन ब्रोमामाइड, ब्रोमामाइड का मतलब समझ रहे हैं कि यार ब्रोमीन यूज होगा तो Br2 यूज होगा। डिग्रेडेशन का मतलब यार कुछ आपका रिडक्शन होगा, तो यहाँ से CO निकल गया और 1 डिग्री अमीन, और ये जो रिएक्शन है यार ये 1 डिग्री अमीन को प्रिपेयर करने के लिए यूज होती है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, बस कुछ नहीं करना, डबल बॉन्ड CO हटा दो, जो भी बच जाए वो आपका प्रोडक्ट। अब आपको लिए एक रिएक्शन मैंने छोड़ी है, यहाँ पे मैंने बेंजामाइड लिया है ठीक है, और उसमें Br2NaOH डाला है। तो मैंने आपको ट्रिक बता दी है, बस CO हटा दो और जो भी आपका बचेगा वो प्रोडक्ट होगा। तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन के अंदर। तो ये था हमारा यार 4th सेक्शन जिसमें हमने इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन डिस्कस करी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं लास्ट सेक्शन की तरफ जिसमें हम डिस्कस करेंगे गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। ये यार गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस 1 डिग्री अमीन्स को प्रिपेयर करने के लिए यूज होती है और ये एलिफेटिक अमीन्स होते हैं ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, थैलेमाइड ये जो आपका कंपाउंड है ना, ये थैलेमाइड होता है, बेंजीन रिंग है, फिर 2 CO लगे हैं, उससे NH जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं हम थैलेमाइड, आपको याद रखना है ठीक है। थैलेमाइड में आप QH डालोगे तो यहाँ से H पॉजिटिव हटके K पॉजिटिव लग जाएगा, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हुई है, जस्ट कुछ नहीं हुआ। उसके अंदर अल्काइल हैलाइड डालोगे देन अगेन सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होगी, K पॉजिटिव की जगह R पॉजिटिव जाके लग जाएगा, तो ये आपका कंपाउंड बन गया ठीक है, फाइनल मतलब सेमी फाइनल। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। इसके अंदर जब आप NaOH डालोगे, आपने लास्ट स्टेप में अंदर बेस डाला है, दोनों में बेस डाला है, एक में QH फिर NaOH, जैसे आप NaOH डालते हो तो आपका ये जो R है ना, ये वाला R है, ये R 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ के RNH2 निकल जाएगा और ये पूरा कंपाउंड आप देख सकते हो इसमें 2 ONA, ये आप देख सकते हो ONA, एक बार ONA लगा यहाँ पे, एक बार ONA लगा यहाँ पे और ये 2 हाइड्रोजन लगे इससे, तो NH2R बन गया। तो इससे 1 डिग्री अमीन प्रिपेयर कर सकते हैं और एलिफेटिक कर सकते हैं, खाली एरोमेटिक नहीं कर सकते। यहाँ पे आप डायज़ोटाइजेशन आपकी 25th रिएक्शन, जैसे कि हमने डिस्कस कर रहा था सैंडमेयर रिएक्शन के अंदर N2Cl की रिएक्शन, मतलब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कराई थी जिसमें हमने CuCl2 डाला था HCl की प्रेजेंस में, तो आपका क्लोरोबेंजीन बन जा रहा था। तो इसकी कैसे प्रिपरेशन करते हैं, तो एनिलीन के अंदर जब आप NaNH2HCl डालते हो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि भाई ये इतना रिएक्टिव है कि इसमें हमें इसको ठंड में कराना पड़ती है रिएक्शन। तो एनिलीन के अंदर NaNH2HCl डालोगे 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, तो आपका जो है NH2 की जगह N2Cl लग जाएगा जिसको हम बोलते हैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इस पे तो मैंने पूरा कन्वर्जन चार्ट करा रखा जो मेरी चैनल का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पॉपुलर वीडियो है, आप चेकआउट जरूर करना उसे। अब आ जाते हैं 26th रिएक्शन जो कि है कार्बाइल अमीन रिएक्शन, जो कि एक टेस्ट भी है आइसोसाइनाइड टेस्ट। इसमें आपका क्या होता है, यहाँ पे आप एनिलीन से स्टार्ट होती है, एनिलीन के अंदर क्लोरोफॉर्म डाला है और KOH, जैसे आप 3 KOH डालना है एक, तो और जैसे आप ऐसा करते हो आपका फॉल्स स्मेलिंग कंपाउंड मतलब NH2 की जगह NC लग जाएगा, इसको आइसोसाइनाइड बोलते हैं, तो फिनाइल आइसोसाइनाइड प्रिपेयर हो जाता है। इसकी फॉल्स स्मेलिंग मतलब गंदी सी स्मेल होती है यार इसकी, तो गंदी स्मेल होती है और ये 1 डिग्री के लिए खाली है। दिस शोन बाय 1 डिग्री एलिफेटिक एंड एरोमेटिक, मतलब 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन्स के अंदर जब आप क्लोरोफॉर्म और KOS डालोगे तो आपको एक कंपाउंड बनेगा जिसकी गंदी स्मेल आती है, जबकि 2 डिग्री और 3 डिग्री एलिफेटिक या एरोमेटिक अमीन्स के अंदर ऐसा नहीं होता। तो इससे आप डिस्टिंग्यूश भी कर सकते हो, कुछ नहीं करना, NH2 हटाओ NC लगाओ। 27th रिएक्शन है कपलिंग रिएक्शन, लास्ट रिएक्शन है और ये मैंने नीट के पर्पज से कराई है, कई बार क्वेश्चन आए इससे। इसमें आपका BDC है और अल्कोहल लिया, एक बार BDC और अल्कोहल लिया, डाइल्यूट NaOH, यहाँ से आपका HCl निकल जाए, इसका हाइड्रोजन और Cl निकले हैं और ये इसके पैरा पे जाके लगा है, इसको हम बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सी अजोबेंजीन ठीक है। इसके इसका जो हाइड्रोजन है और ये जो Cl है, ये दोनों आपस में निकल के HCl निकलेगा
और आपका ये कंपाउंड बनेगा। इसका ऑरेंज कलर होता है, ऑरेंज डाई डाई के लिए यूज होता है ये, तो ये ध्यान रखना है। पैरा हाइड्रोक्सी अजो बेंजीन बनता है। ऐसे ही आप फिनोल की जगह एनिलीन ले लो तो यहाँ पे सेम वही रिएक्शन, यह इसका जो पैरा हाइड्रोजन है ये सीएल के साथ रिएक्शन करके एचसीएल निकाल देगा और ये आपका कंपाउंड ऐसे ऐसे बन जाएगा। यहाँ पे आपको एनिलीन के केस के अंदर येलो डाई मिलती है, तो येलो डाई के लिए पर्पस के लिए आप यूज कर सकते हो। ये आपकी कपलिंग रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है और इससे जरूर आपको नीट या फिर सीबीएसई लेवल में जरूर इससे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो होप आपको यार नेमिंग रिएक्शन की वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी, आपको काफी हेल्प हुई होगी आपकी। अगर आपकी इसी तरह हेल्प हो रही है तो आप मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट जाके जरूर चेकआउट करना। इसके आप नोट्स बाय करना चाहते हो तो 199 बहुत ही मिनिमम कॉस्ट के अंदर मैंने वन ऑफ द बेस्ट मटेरियल आपके लिए बना के रखा हुआ है, आप मेरे को डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना यार, आपके तो इससे कुछ नहीं जाता लेकिन मेरे को इससे काफी कॉन्फिडेंस मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।